I am Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे channel पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माई डियर फ्रेंड्स एंड माई व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस की हर किताब को आपसे शेयर करते हैं, उसको समराइज करके डिफरेंट खुदा के खादिम, पास्टर, फादर, सिस्टर्स, ब्रदर्स और बहुत सारे दूसरे भी खादिम आते हैं जो कि चाहते हैं कि हम भी बाइबल मुकद्दस को शेयर करें. तो ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से हम कोशिश करते हैं कि खुदा के कलाम को समराइज करके शॉर्ट टाइम में लोगों को दिया जाए और देते हैं. तो आज बाइबल मुकद्दस की जो न्यू टेस्टामेंट की आखिरी किताब है, हमने जब शुरू किया और आज न्यू टेस्टामेंट की आखिरी किताब जिसको हम कहते हैं मकाशफा की किताब, मकाशफा की किताब में खुदा के खादिम यूहन्ना ने, यूहन्ना आरिफ जिसे कहा जाता है, यूहन्ना की इंजील भी उसने लिखी, उसके तीन खतूत हैं और ये भी मकाशफा भी उसने लिखा. ये सुना है कि एक जज़ीरे के अंदर खुदा ने वही नाजिल की और उसके ज़रिए से लिखा और उसमें बहुत सारी मकाशफाई बातों के ज़रिए से, मकाशफाई कहानियों के ज़रिए से, मकाशफाई तरीके से ये उस खादिम ने इलाही कुव्वत से ये सारा कुछ किया. और इस किताब को पूरे कहा जाता है पूरी बाइबल का निचोड़ है. तो आज हम जानेंगे ये निचोड़ क्या है, किस तरीके से लिखी, क्या इम्पोर्टेंट इसकी है, क्या इम्पोर्टेंट बातें इसमें हम जानेंगे. और इसमें जो शेयर करने के लिए है खुदा के खादिम पास्टर जेम्स, बहुत नॉलेजेबल हैं, खुदा ने उन्हें बहुत नॉलेज से नवाजा है, बहुत अच्छे तरीके से कलाम को शेयर करते हैं, जानते हैं. और आज हम उनको आपसे मिलवाते हैं और उनको वेलकम करते हैं. वेलकम पास्टर जी. थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैक्स साहब इस चैनल के लिए. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल की कामयाबी और इस चैनल की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले आप और आपके वो सारे अच्छे ख्यालात हैं जिसमें आपके दिल और ज़हन में ये मंसूबा तैयार हुआ कि आप पूरी बाइबल मुक़दस को, हर किताब को समराइज़ करके लोगों के सामने पेश करें. तो चूँकि पैदाइश से ये शुरू हुआ और पैदाइश की पहली पांच किताबें जो तौरात की हैं वो मैंने की, आगाज़ भी मुझी से हुआ और आज इख्तिताम भी मुझी से हो रहा है. तो ये पैदाइश की किताब पहली किताब है बाइबल की और मकाशफा इसकी आखिरी किताब है. ये 66 बुक्स हैं और ये आखिरी किताब है. और कैथलिक्स को मिला के भी ये तकरीबन वो 72 हैं, लेकिन वो जो छः किताबें उन्होंने इसमें डाली हैं वो हिस्टोरिकल बुक्स, हिस्टोरिकल. वो जो साइलेंट पीरियड है 400 साल का मलाकी से मसीह तक, इसके दरमियान जो हिस्ट्री है, जो तारीख ने काम किया है, तो मुरखीन ने उस हिस्ट्री को कलम बंद किया है जो 400 साल में होती रही. बेशक उसमें कलाम नहीं आया, उसमें नबी नहीं आए, उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन हिस्ट्री तो रुकती नहीं, हिस्ट्री तो अपना काम करती रहती है. 400 सालों में वो उस उन छः किताबों में मंदर्ज है. मैंने उनको पढ़ा है, हिस्टोरिकल बुक्स हैं और बहुत ज़बरदस्त कमाल की वो बुक्स हैं. तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, ये मैंने पहली दफ़ा इस बात को देखा है कि जिस तरह से आपने बाइबल मुकद्दस की बुक्स को समराइज़ करके फिर इसमें मुख्तलिफ लोगों को आपने शामिल किया, बिला इम्तियाज़ इसमें बिशप भी आए, फादर भी आए, सिस्टर्स भी, पास्टर्स भी, और तमाम लोग बिला हीलो हुज्जत
और बिला तकल्लुफ़ और बिला इम्तियाज़ सब को मौका मिला ताकि हर एक अपनी उस कावश को, उस काबिलियत को, उस मेहनत को इस चैनल पर शेयर कर सके। और यकीनन लोगों ने सुना, लोग सुन रहे हैं और बरकत भी पा रहे हैं। तो मैं शुक्र करता हूं कि वो प्लान जो आपके दिल और जहन में आया, आज खुदा ने उसको कंप्लीट किया। मेरा ख्याल है कि गालबन एक साल भी नहीं हुआ, शायद एक साल से ज़्यादा हो गया है कि हमने पूरी बाइबल के 66 किताबों को आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। और मैं इस चैनल को और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके इस अच्छे कार्य खैर के लिए, इस अच्छे मंसूबे के लिए, जिस तरह से आप इसको लेकर चले और खुदा के खादमों को इस चैनल पे बुलाया, उन्होंने शेयर किया, मुख्तलिफ खादमों को लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में सुना, तो इन सारी बातों के लिए मैं खुदा का शुक्र उसकी तारीफ़ करता हूँ। और अपने लिए भी कि मैंने इसको पैदाइश से इसका आगाज़ किया और आज मुकाशफा की आखिरी किताब पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। जी, तो ये आखिरी किताब है जिसका मुताला करने हम जा रहे हैं और यह है मुकाशफा की किताब। मुकाशफा की किताब का मज़मून है सब कुछ खुदा के इख्तियार में है, एवरी थिंग इज़ काइंड कंट्रोल इन गॉड। हर चीज़ खुदा के इख्तियार में, उसके इख्तियार के बाहर कुछ भी नहीं। और ये वही यूहन्ना रसूल है जिसने अंजील मुकद्दस को तसनीफ़ किया, 3 खतूत को तसनीफ़ किया और आखिर में इस किताब को उसने लिखा। यहाँ जो मुकाशफा इस्तेमाल होता है ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ कशफ से निकला। तो कशफ का मतलब है ऐसी हालत जिसमें आदमी ना सोता हो ना जागता हो, उसमें जब कुछ कोई चीज़ देखता है तो वो मुकाशफा होता है। और मैं ये कहता हूँ कि मुकाशफा के बाद मुकाशफा ख़त्म। अगर कोई ये कहता है जी मुझे आज खुदा ने ये मुकाशफा दिया, तो ये झूठ है, क्योंकि मुकाशफा एंड हो गया है मुकाशफा की किताब पे, जिसमें माजी, हाल और मुस्तकबिल की तीनों ज़मानों की बातें दर्ज हैं, माजी की भी, हाल की भी और मुस्तकबिल की। तो मुकाशफा ख़त्म, मुकाशफा मैं इसको कहूँगा कि इसके बाद मुकाशफा नहीं है। अगर कोई कहता है मुझे मुकाशफा मिले, तो वो चीज़ें खुदा ने पहले से बता दी, वो मुकाशफा नहीं है। तो ये वो किताब है जो यूहन्ना रसूल ने लिखी, और ये पतमस के जज़ीरे में, जो मौजूदा तुर्की है, पतमस के जज़ीरे में इसको जला वतन करके भेजा था रोमी हुकूमत ने, शहनशाह रोम 2 मितियान ने 92 ईस्वी उसने इसको भेजा था। ये बुज़ुर्ग था, उम्र का भी ज़्यादा था, और कोड़ों के साए में इससे काम लिया जाता, ये जलावतन किया जाता। और ये वाहिद रसूल है जो तबई मौत मरा, बाकी रसूल शहादत उन्होंने नोश किया, लेकिन ये तबई मौत मरा। और इसमें वो 7 कलीसियों का भी जिक्र करता है, 7 चिरागदानों का भी जिक्र करता है। अब अंदाज़ा करें कि 33 ईस्वी में खुदा यीशु मसीह जब आसमान पर चले गए खिदमत करके, तो ये 12 रसूल मसीह खुदा के साथ थे। 92 में मसीह खुदा जब इस पर ज़ाहिर हुआ, तो ये 59 साल के बाद की बात है। 33 और 92 से 33 निकाल दे तो 59, 59 साल बाद मसीह खुदा जब इस पर ज़ाहिर हुए, तो ये डर गया। डर क्यों गया? कि जिस तरह इसने मसीह को पहले देखा था, मसीह वैसा नहीं था। मसीह की शक्ल क्या थी? ये यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा पहले बाब की जब 14वीं आयत से पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है, उन चिरागदानों के बीच में आदम सा एक शख्स देखा जो पौन तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पे बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन और बर्फ़ की मानस सफ़ेद थे। उसकी आंखें आके शोले की मानन थीं। उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो। उसकी आवाज़ जोर के पानी की सी थी। उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह से एक 2-धारी तेज़ तलवार निकलती थी। उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेज़ी के वक्त आफ्ताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर। उसने मुझसे पर अपना दाहिना हाथ रखा और कहा, खौफ न कर,
मैं अव्वल और आखिर और ज़िंदा हूँ, मैं मर गया था, देख अबला बाद ज़िंदा रहूँगा, मौत और आलम रवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। पर जो बातें तूने देखी हैं, जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, ये तीनों ज़माने हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। जो बातें तूने देखी हैं, माजी जो हैं, फ़िलहाल उसके बाद जो होने वाली मुस्तकबिल, उन सब को लिख ले। यानी उन सात सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, उन सोने के सात चिरागदानों का, जो सात सितारे तूने सात कलीसियाओं के फरिश्ते और सात चिरागदान कलीसियाएँ हैं। अब जब ये मुर्दा सा होकर गिर पड़ा, जिसने शक्ल ही ऐसी देखी जो पहले कभी नहीं, मसीह ऐसी शक्ल में इसने देखा ही नहीं था कभी, 59 साल बाद जब इसने मसीह को लंबा चौड़ा कद, सफ़ेद बाल, पीतल के सीना बंद, ये वो, तो उसने कहा ये क्या बला है, वो गिर मुर्दा सा हो गया। जब आदमी ऐसी शक्ल को देखेगा तो वो डर जाएगा कि पता नहीं क्या है। तो मसीह खुदा ने कहा मैं मर गया था, मैं जिंदा हूँ, अबला बाद जिंदा रहूँगा, तो खौफ ना कर, इन बातों को लिख लें। अब अंदाज़ा करें 22 अबवाब हैं इसके जी, 22 अबवाब इसने लिखे, ये छोटी बात नहीं है जी जी। और शहनशाह रोम दो मित्यान नहीं जानता था कि यूहन्ना आरिफ को पतमस के जीरे में भेजना कलीसिया के लिए मुकाशवा बन जाए। अब आप वो पानियों को जो जीरे में अकेले ही था ये? नहीं, और भी बहुत से लोग थे, और भी जितने जराब वतन होते थे वो सब के सब जजीरे में भेजे जाते थे, सब काम करने के लिए, अकेला नहीं था ये, बहुत से और भी लोग थे जिनको सजाएं देते थे, जैसे कहते हैं काले पानी भेज देना, तो ये वो वाली बात थी, ये जराब वतन करके जिसको रोमी हुकूमत ऐसी सजा देती जराब वतन की, उनको जजीरे में भेज दी, और यहाँ कोड़ों के साय में इनसे काम लिया जाता। हमारे यहाँ जजीरा आपको पता है मनोड़ा है, वहाँ पे लोग जाते हैं, लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं, तो ये भी एक जजीरा था जहाँ लोग काम, यहाँ काम करवाया जाता था, और सब ऐसे लोग यहाँ भेजे जाते थे जिनको रोमी हुकूमत जराब वतन। लेकिन अभी वो तुर्की में मौजूद, तुर्की में जी अभी जजीरा मौजूद है, मौजूद है हाँ जी। ये सात कलीसियाँ भी तुर्की में ही थी, इसमें दो कलीसियाँ फजलिफिया की कलीसिया, एक कलीसिया आज भी मौजूद है, दो कलीसियाँ, एक फजलिफिया की कलीसिया है और एक और कलीसिया, दो कलीसिया सात कलीसियों में आज भी तुर्की में मौजूद है, मौजूद है। ये क्रिश्चियन इफ्सियों, तुलसियों, तुलसियों, ये सारे इफ्सियों, फिर सुमरना है, परगमन है, थुआतीरा है, फिर इसके बाद आपका सरदीस है, फिर लुदिकिया है, फिलदेल्फिया है, ये सात कलीसियाएँ किसी जगह पर थी, ये सारी तुर्की में, तुर्की में मौजूद थी। अच्छा, और इनके जो सितारे हैं वो इनको बनाया गया है, बताया गया है, फरिश्तों को सितारे कहा गया है और चिरागदान कलीसियों को कहा गया है। इन सात खादमों को, इन सात कलीसियों को ख़त लिखे गए, हर कलीसिया को बताया गया है कि वो क्या है, उसके काम कैसे हैं, वो क्या करती है, ये सात खतूत इन सात कलीसियों को लिखे गए हैं, ये इसमें है। और फिर इसमें मोरों का जिक्र आता है, मोरें, कुछ मोरें खुल गई हैं, कुछ खुलने वाली हैं, क्योंकि अब इतना वक्त नहीं है कि हम मोरों पे बात करें, लेकिन मोरों का जिक्र है कि मोरें कुछ खुल गई हैं। थोड़ा सा बयान कर दें जो हमारे व्यूवर्स हैं, शॉर्ट एंड स्वीट में, ताकि ये थोड़ा सा महसूस कर सकें कि ये क्या है। ये मोरें जो हैं, ये बड़ा लंबा चौड़ा सिलसिला है यहाँ पे, इसमें जिक्र आता है मोरें खुलने का। वो कहता है कि 6 बाब की 7वीं पहली ऐसे लिखता है, फिर मैंने देखा कि बर्रे ने उन सात मोरों में से एक को खोला और उन चार जानदारों में से एक की गर्ज की आवाज़ सुनी कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि सफ़ेद घोड़ा है, उसका सवार कमान लिए हुए, उसे एक ताज दिया गया, वो फतेह करता हुआ निकला कि और भी फतेह करे। जब उसने दूसरी मोर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल है और उसके सवार को इख्तियार दिया गया कि ज़मीन पर से सुराख को उठा ले। तो ये इसकी तशरीह भी साथ साथ ही की गई है, जैसे मोरें खुल रही हैं इसकी तशरीह भी इनके साथ साथ ही की गई है। फिर तीसरी मोर में लिखा है, जब उसने तीसरी मोर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आर, मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि काला घोड़ा है
और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, ये अदालत है, ये अदालत की मोहर है। फिर मैंने और मैंने गोया उन चार जानदारों के बीच से ये आवाज़ सुनी कि गेहूं दिनार के शेर पर और जो दिनार के तीन शेर और तेल और मैं का नुकसान न कर। ये वो काल है, ये वो आने वाले वक्त में जब काल पड़ेगा, जब लोगों को खाने को ना मिलेगा, जिसके बारे में मत्ती की झील में लिखा है कि काल और भूंचाल आएंगे। तो इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब वो आएंगी। और फिर इसमें 666 का भी जिक्र आता है, छाप का जिक्र आता है कि एक मुखालफ मसीह आएगा जिसका नंबर 666 होगा और वो अपनी मोर हर एक बंदे पर लगाएगा और जो उसकी मोर लेगा उसको खाना पीना मिलेगा, राशन मिलेगा, जो मोर नहीं लेगा वो भूखा मरेगा। और ये उस वक्त ईमानदारों की आजमाइश की बात है, ठीक है। शैतान ये चाहेगा कि मैं उनको गुमराह करूं, और लिखा है कि उसको इख्तियार दिया जाएगा कि वो मुर्दे भी ज़िंदा कर देगा, कारी जख्म को भी अच्छा कर देगा। बताओ कोई काम करना है तो बताओ, मैं करके देता हूँ। तो ये उस वक्त गुमराही का वक्त होगा जब कलीसिया ज़मीन पर होगी और सताई जाएगी। फिर इसमें एक बहुत बड़ी लड़ाई का जिक्र आता है, जो बहुत पहले हुई, वो लड़ाई आसमान पर हुई, लेकिन उसका जिक्र आखिर में बाइबल की आखिरी किताब और आखिर में आता है, बारहवें बाब में, कि आसमान पर लड़ाई हुई। वो लड़ाई क्या थी? वो खुदा के फरिश्तों, शैतान के फरिश्तों के दरमियान लड़ाई थी। जो लूसीफर फरिश्ता था, खुदा का सेकंड था, जिसके पास सारा इख्तियार था खुदा के बाद, उसके अंदर घमंड और गुरूर आ गया, बड़ापन आ गया कि मगर थोड़ी सी कोशिश करूँ तो मैं खुदा के बराबर हो सकता हूँ। उसने वहाँ पर कुछ फरिश्तों को अपने साथ मिला लिया, प्लान कर लिया कि हम जंग करते हैं, लड़ाई करते हैं, और जब हम फातह हो जाएंगे तो फिर आपको मुख्तलिफ वजारतें दी जाएंगी, मुख्तलिफ इख्तियारात दिए जाएंगे। फिर वहाँ आसमान पर लड़ाई हुई है, जंग हुई है खुदा के फरिश्तों और शैतान के लूसीफर फरिश्तों के दरमियान। और जब जंग हुई, वो हार गया, तो फिर उसको उसके फरिश्तों समेत नीचे, साथियों के समेत फेंक दिया। और आज वो दुनिया में लोगों को गुमराह कर रहा है, खुदा से दूर कर रहा है। ये लड़ाई कई हज़ार साल पहले, दुनिया के बनने से पहले ये लड़ाई हुई थी, जिसका जिक्र बिल्कुल एन पर आकर यहाँ पर होता है। फिर इसमें जिक्र आता है कि दुनिया के तमाम कौमों में से, लोगों में से लोग इस बादशाही में शामिल हो रहे हैं और वो खुदा के तख्त के पास जाएंगे, खुदा के तख्त के पास वो हाज़िर होंगे। और एंड पे जाके एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि नया शहर यरूशलेम, जिसका जिक्र मुकाशवा की किताब में आता है, कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, आसमान तुमार की तरह लपेट लिए जाएंगे, नया आसमान होगा, नई ज़मीन होगी और नया यरूशलेम होगा, जिसकी खूबसूरती अगर आप 22वां बाब पढ़ें तो वहाँ पर 12 पत्थर 12 उस की बुनियाद में लगे हुए हैं। और फिर वो शहर इतना खूबसूरत है, वहाँ सोने की सड़कें होंगी। बाइबल में लिखा है ना दुख होगा, ना गम होगा, ना आहो नाला होगा, ना कोई फिक्र होगा, ना कुछ होगा। दुनिया की सारी मुसीबतें परेशानियाँ हल हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और वहाँ पर ईमानदार हमेशा हमेशा खुदा के दूर में रहेंगे और खुदा के दूर में रहकर खुदा उनकी प्रसन्नता और इबादत करेंगे। लेकिन मुकाशवा की किताब 22वें बाब की 12वीं आयत में खुदा यीशु मसीह ख़ास बात कह रहे हैं। जब शुरू में वो उस पर जाहिर हुए, यूहन्ना रसूल पर, तो वो 22वें बाब की 12वीं आयत में कहते हैं, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक काम के मुआफ़ देने की अजर मेरे पास है। ये आखिरी पैगाम में ये बात थी, खुतबे ये जो उसकी मुकाशवा में आखिरी बात थी, जो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि सारी लिख लें, आखिर में वो कह रहे हैं कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक काम के मुआफ़ देने की अजर मेरे पास है। तो ये वादा के देख मैं जल्द आने वाला ज़रूर पूरा होगा, बेशक अभी तक नहीं हुआ, 2000 साल से ज़्यादा की बात है, पहली सदी ईस्वी की बात है, 92वीं ईस्वी की जब ये लिखा गया मुकाशवा, लेकिन अभी तक मसीह खुदा आया नहीं है। पर उसके वादे सच्चे हैं, उनमें कोई आगा पीछा या हेर फेर नहीं है, वो आएगा, ज़रूर आएगा। अगर वो अभी नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जिन्होंने मसीह खुदा को कबूल नहीं किया, जिन्हें तौबा नहीं की, जो खुदा की बादशाही से बाहर हैं, मसीह खुदा इसलिए रुके हुए हैं कि वो भी इस बादशाही का हिस्सा बन जाए।
वो भी मुझ पर ईमान लें, चूँकि वो किसी जान की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नबूवत पहुँचे। पत्रस के दूसरे खत को पढ़ें तो वहाँ पर लोग सवाल करते हैं कि दुनिया जैसी है जब वैसी की वैसी है, कोई तब्दीली नहीं हुई। आप कहते हैं तो वो आएगा आएगा, उसके आने का वादा कहाँ गया? तो फिर जवाब क्या देता है? जवाब ये मिलता है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। तो वो इसलिए नहीं आ रहा ताकि और भी लोग उसकी बातचीत में शामिल और दाखिल हो जाएं, और जब वो आए तो फिर उसके साथ बादलों पर उठाए जाएं। और ये आखिरी बात वहाँ पर उसने कही कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मौके देने के लिए अजर मेरे पास है। लेकिन उस शहर के बारे में बताया गया है कि उसमें कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी, बुतप्रस्त, झूठी बात का हर एक पसंद और गढ़ने वाला बाहर है। यानी उस शहर में, नए शहर यरूशलेम में ऐसे लोग नहीं जाएंगे बल्कि वो लोग जाएंगे जो खुदा के इस्म के खून से धुले हुए हैं। और एक बड़ी भीड़ को वो खुदा के तख्त के सामने देखता है, एक बड़ी भीड़ है जो हर कौम, कबीले, ज़ात में से है, और ये वो लोग हैं जो दुनिया के कबीलों में से मसीह खुदा के पास आ गए हैं, निजात पा गए हैं, कलीसिया का नाम को दिया गया है, वो खुदा के पास जाएंगे और वो खुदा के पास हमेशा हमेशा रहेंगे। यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ होता रहे, आमीन। जो इन बातों की गवाही देता है वो कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ, आमीन। ऐ खुदावंद यीशु जल्द आ। खुदावंद यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ होता रहे, आमीन। यहाँ पर मुकाशा जो है उसका इख्तिताम हो जाता है। ये थैंक यू सो मच, बहुत नाइस, बहुत अच्छे तरीके से आपने मुकाशा की किताब को समराइज किया और हमारे व्यूअर तक पहुँचाया, और बहुत सारी नॉलेज। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग घबराते भी हैं इसको पढ़ने के लिए जो सुना जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है बल्कि ये नॉलेज की बात है, ये मकाशफा है, और इसी से पूरे वो कलाम के मुताबिक ये आखिर में सब पता चल जाता कि क्या है। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि पास्टर जेम्स ने बहुत ही शॉर्ट वे में मकाशफा की किताब के बारे में जो नॉलेज हमें अता की है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सीखने का अमल है। हम इसे सीखें और ज़िंदगी पाएं, बल्कि कसरत से पाएं। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैं आज खुदा का शुक्र भी करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि जो मैंने शुरू किया, जो मैंने सोचा था, मेरे साथ बहुत अच्छे लोग, मेरी टीम जो थी उसने भी इसमें काफ़ी मदद की, जैसे कैमरामैन है, जो दूसरे मेरे टीचर्स मेरे साथ थे, मेरी फैमिली के मेंबर थे, और साथ पास्टर, बिशप्स, और जो सिस्टर्स हैं, फादर्स हैं, ब्रदर्स हैं, सब ने हेल्प की ताकि हम इस पूरी किताब को, बाइबल मुकद्दस को समराइज करके आप तक पहुंचा सकें। और आज उसकी आखिरी किताब ये समराइज हुई। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मेरे से तावन किया और ये सब कुछ हुआ। आगे भी करेंगे, खुदा अगर हिकमत दे, आप मेरे साथ होंगे तो हम ये करेंगे। और सबसे बड़ी बात, पास्टर जेम्स मेरे साथ हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस बहुत सारे पास्टरों को लेकर आना, अरेंज करना, ये इन्होंने किया। आज इनका भी मैं थैंक्स करता हूँ कि मोस्टली पास्टरों के साथ जो ताल्लुक बनाना, लिंक करना, बहुत सारे इनको कहते थे कि हमें भी वहाँ लेकर जाएं, और वो लेकर आए। और मैं समझे जो नए नए चेहरे पास्टरों को देखते थे, बहुत नॉलेज आप डिफरेंट लेते थे, वो सारा पास्टर जेम्स का अहम रोल था। और पूरी जो तोरा जिसे कहते हैं, तौरात, वो पूरी पांचों किताबें जो हैं पास्टर जेम्स ने की, यानी कि इन्हीं से शुरू आ जाए इख्तिताम भी, मकाशफा की जो किताब है इन्हीं से हुआ। मैं दोबारा से थैंक्स करता हूँ इनका, और इनके लिए दुआ भी चाहता हूँ खुदा उनको और भी ज़्यादा अपने जलाल के लिए, अपने काम के लिए इसी तरीके से इस्तेमाल करें। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत